हेलो एवरीवन, चोर की नगरी में आप सबका स्वागत है। आपकी IBPS SO प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ये आप मुझे बता सकते हो मेरे ईमेल आईडी shatirchor11@gmail.com पे। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहेगा। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि IBPS SO प्रीलिम्स के लिए मैथ्स का सिलेबस यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होगा। और एक चीज़, सिर्फ सिलेबस सिलेबस नहीं करेंगे, उसका वेटेज भी जाने की कोशिश करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर पेपर। ओके, तो चलिए फटाफट आपको बताता हूँ कि इसका वेटेज किस तरह से रहेगा। देखो, एक चीज़ तो है, मैथ्स 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन है, तो 50 मार्क्स का कोई भी टॉपिक बनता है ना, कोई भी सब्जेक्ट, तो समझ जाओ एग्जामिनर के पास पूरे चांसेस है सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर अप करने का, भले उस पर एक मार्क या दो मार्क भी हो। तो डिटेल में आपको बता रहा हूँ एक मार्क कौन सा है, दो मार्क के कौन से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। स्कूल में हमने बार ग्राफ देखा है, लाइन ग्राफ देखा है, ये सब चीज़ें फिर से है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जनरली क्या आता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ग्राफ या चार्ट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो बार, लाइन ग्राफ, देन पाई चार्ट एंड देन टेबुलर DI, देन कैसलेट DI। टेबुलर DI मतलब मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पांच स्कूल है एक गांव में, उसमें बॉयज़ गर्ल्स इतने हैं और उस पर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, बाकी तो स्ट्रेट वे जैसे वर्ड है वैसे ही मेंशन है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। कैसलेट DI मतलब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक पैसेज फॉर्म में दूंगा कि एक स्कूल है, उसमें मान लो 300 स्टूडेंट्स है, उसमें से 3:2 में बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है। हर DI का वेटेज कम से कम 5 मार्क्स आता है। ठीक है, वैसे तो 5 मार्क्स का ही आता है, पर कभी कभी 6 मार्क्स का आया तो अगर थोड़ा सा मॉडरेट DI रहा तो। बट हर एक DI यानी हर एक अगर बार ग्राफ का या पाई चार्ट का या जो भी, 5 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, और इसका जो वेटेज रहेगा एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स का डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, 20 ही पकड़ के चलो, मतलब 4 DI, एक DI पे 5 मार्क्स पकड़ के चले तो 4 DI। नेक्स्ट नंबर सीरीज 5 मार्क्स का रहेगा। नंबर सीरीज मतलब मैं आपको कुछ नंबर एक फॉर्म में दूंगा, आपको बताऊंगा, आपको पूछूंगा कि अगला नंबर क्या रहेगा, तो नंबर सीरीज विल बी ऑफ 5 मार्क्स। इसका उल्टा पार्ट भी होता है, कभी कभी नंबर सीरीज देते हैं और पूछते हैं फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ, इन दोनों में से कोई एक आएगा, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगेन 5 मार्क्स। मैं 5 मार्क्स का टॉपिक आपको जानबूझ के पहले दे रहा हूँ ताकि उनका वेटेज समझो। हमने बताया स्कूल में ऐसे सम सॉल्व किए, x² + 3x + 6, फिर उसके फैक्टर्स निकाल देते। ये वैसे ही क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें हर एक में आपको दो दो इक्वेशन देंगे एक्स और वाई के, आपको वैल्यू कंपेयर करनी है, बताना है ग्रेटर है, लेसर है, इक्वल टू है या जो भी है। तो ये क्वेश्चन 5 आएंगे और ये आपको करने ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट विल बी Quantity 1 versus Quantity 2, ये भी 5 मार्क्स का सेट आता है। सी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं पता है, हर क्वेश्चन में आपको मैं दो चीज़ पूछूंगा और दो वैल्यू आपको कंपेयर करनी है, क्वालिटी इक्वेशन जैसा ही है, लेकिन इसमें Q1 और Q2 में यानी Quantity 1 Quantity 2 में चैप्टर कुछ भी पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आया नीचे आएगा रेशो पे, तो दोनों आपको कंपेयर करने हैं और आंसर वही रहेगा, ग्रेटर है, लेसर है, इक्वल टू है, जो भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर थोड़े अच्छे होने चाहिए। देन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इन दोनों को मैं क्लब ही कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में सिर्फ डिफरेंस इतना है, अप्रॉक्सीमेशन में आपको वैल्यू पॉइंट में आए तो थोड़ा आगे पीछे एक दो नंबर कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी, अगर वो 2.5 आंसर है तो 2.5 ही आंसर है, ना 2 है ना 3 है, इन केस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये 5 to 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 मार्क्स के करीब जाना चाहिए इस बारे प्रीलिम्स में। ठीक है, और समझ जाओ अगर इसका वेटेज बढ़ा तो किसका कोई ना कोई तो किसी ना किसी का तो पत्ता कट जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
एंड स्टूडेंट्स जनरली प्रीफर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. देन डेटा सफिशियंसी है, डेटा सफिशियंसी 5 मार्क्स लार्जली. डेटा सफिशियंसी जैसे आपने रीजनिंग में किया है ना उसी प्रकार से है. ऑब्वियस है रीजनिंग के चैप्टर अलग होंगे, मैथ्स के चैप्टर अलग होंगे. कंपेयर करना है, यू हैव टू गेट द वैल्यू. इसमें ज्योमेट्रिकल पार्ट थोड़ा सा इस्तेमाल होता है एक दो क्वेश्चंस में, तो ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड है. आपने चैप्टर की है तो ही करेंगे, वरना क्योंकि पांचों चैप्टर पांचों सम्स अलग अलग भी होते हैं. ठीक है, तो ये आएगा 5 मार्क्स के लिए. एंड द लास्ट पार्ट जो मैंने रखा है वो है मिसलेनियस. मिसलेनियस चैप्टर्स मतलब अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, या सिंपल भाषा में कहूँ तो वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें कौन से चैप्टर्स रहते हैं. एवरेज होता है जनरली 1 मार्क. देन प्रॉब्लम ऑन एजेस होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये 2 से 3 एक्सपेक्ट करना. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन शुड बी देयर इन प्रीलिम्स. जो उन लोगों का ट्रैक चल रहा है उसके हिसाब से ये क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नाम में ही 2 चैप्टर है, तो कम से कम 2 तो इस पर बनते ही बनते हैं. टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मेंशुरेशन. ये सारे चैप्टर अगर एक एक मार्क्स के लिए जनरली आते हैं, और एक आधा चैप्टर कभी भी याद रखना अरिथमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम में 2 मार्क्स के लिए जाता है, जिसमें से एक आधा चैप्टर हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा कोई हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस. और एक चीज़ देखो, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि Q1 Q2 जो चैप्टर था, अगर उसमें कोई इंक्लूड करना है उन लोगों को चैप्टर, तो वो टाइम एंड डिस्टेंस का 1 मार्क यहाँ पे कवर नहीं करके वहाँ कर सकते हैं, तो ये उन पे. लेकिन जनरली सिलेबस इस तरीके से होगा, तो आप पढ़ना शुरू करो. और पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखना, कुछ भी सम सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट क्लियर करो. कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो सिर्फ आप सॉल्व करते बैठोगे. तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कंसेप्ट क्लियर करो. कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट आएगा. बाकी का सिलेबस मैं अगले वीडियो में लाऊंगा. अभी तक के लिए मैथ्स का सिलेबस को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द मेंशन ईमेल आईडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.